मॉर्निंग दोस्त, ये देखिए CPR रोड जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पैकेज नंबर 4 का जो आखिरी हिस्सा है उसमें वो ब्लैक टॉप का काम चालू हो चुका है पिछले कुछ दिनों से। एंड आप ये देखेंगे कि आगे की तरफ जो है लगभग जहाँ पे फ्लाईओवर वाला हिस्सा है उसको छोड़ के यहाँ सेक्टर 36A के सामने ठीक सामने आप देखेंगे ये जो बड़ा सा पैच है लगभग क्लोज टू मतलब 1 किलोमीटर का ब्लैक टॉप लग चुका है। ये AVL 36A की तरफ से दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद ये है कि बाय एंड ऑफ दिस नवंबर या एंड ऑफ दिसंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये रोड जो है ना ये मतलब यूज़ करने लायक हो और कनेक्टिविटी जो है वो इसमें रिजॉल्व हो जाए। बाकी ये जो इलेक्ट्रिकल हाई टेंशन लाइन था वो ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं आप देख सकते हो, तो इंटरफेरेंस का तो अभी सवाल ही नहीं उठता। सीधा आप यू कैन आर पार जा सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आजकल पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और आने वाले टाइम पे क्या रुकावट आ सकती है वो क्या हो सकता है वो अभी तक कुछ कह नहीं सकते। आप देखेंगे ये जो है ये लेके जा रहे, देखो फ्लाईओवर काम के लिए ये जो सामान है एग्जैक्टली क्या जार्गन और टर्मिनोलॉजी है वो पता नहीं, बट ये यहाँ से लेते हुए जा रहे हैं आगे के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे और आ रहे हैं आगे भी। सॉरी, ये देखिए काफ़ी सारे ट्रक से लेके भी आ रहा है। सो उम्मीद कर सकते हैं भाई फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर भाई जून तक तो उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट ये कनेक्टिविटी का। तो अपने घर से मैं अपडेट देता रहूँगा, आप बने रहिएगा। और आने वाले टाइम पे यहाँ पे आई थिंक अदानी का भी एक हाउसिंग सोसाइटी आने वाली है ये जो लेफ्ट साइड ऑफ AVL 36 है। सो बने रहिएगा, देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।